फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्के ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं आपका दोस्त फराज। तो आज का आपने थंबनेल टाइटल पढ़ी लिया होगा, सेमी सिंथेटिक ऑयल, इंजन ऑयल। तो आज हम लोग बात करेंगे इंजन ऑयल के बारे में, कितनी तरह का होता है इंजन ऑयल, और जो सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल होता है उसमें क्या खासियत होती है, किस तरह का ऑयल होता है वो, और ज़्यादातर अब वही पढ़ने लगा हर गाड़ी में। सो जो रॉयल एनफील्ड है वो कहती है कि रॉयल एनफील्ड रिवाइजेस सर्विस इंटरवल टू रिड्यूस ओनरशिप कॉस्ट। यानी कि रॉयल एनफील्ड है, उसने सर्विस इंटरवल रिवाइज किया है, कुछ ऐसे उसे शेड्यूल किया है कि जो ओनरशिप कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो गई। तो किस तरीके से वो कम हुई है उसको आज हम लोग जानेंगे। सो जो इंजन ऑयल होता है बेसिकली तीन तरह का होता है, पहला मिनरल ऑयल, सेकेंड सेमी सिंथेटिक ऑयल जो कि अपनी बुलेट में पड़ता है, और थर्ड एंड द लास्ट वन इज सिंथेटिक ऑयल और फुल्ली सिंथेटिक ऑयल कहते हैं उसे। सो जो मिनरल ऑयल होता है वो सबसे ज़्यादा कम रिफाइंड होता है, और वो पड़ता है 2000 से 3000 के बीच में पड़ता है, वो उसको चेंज करने की ज़रूरत होती है, उसका सर्विस इंटरवल होता है वो। फिर जो सेकंड हमारा आता है वो होता है सेमी सिंथेटिक ऑयल, जिस जो कि हमारी इसमें बुलेट में पड़ता है, जिसको सर्विस इंटरवल होता है 4 to 5000 किलोमीटर्स के बाद उसे चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, फिर आता और काफ़ी रिफाइंड होता है ये सेमी सिंथेटिक ऑयल। और फिर इसके बाद आता है फुल्ली सिंथेटिक ऑयल या सिंथेटिक ऑयल जिसे भी हम कहते हैं, वो पड़ता है 5000 से 6000 के बीच में उसका सर्विस इंटरवल होता है, और वो पड़ता है बड़ी बाइक्स में, सुपर बाइक्स में। सो बात करते हैं सेमी सिंथेटिक ऑयल की, ये कैसा होता है। तो ये हाफ मिनरल ऑयल होता है और हाफ केमिकल्स में डले होते हैं फुल्ली सिंथेटिक ऑयल के। सो जो हमारी पहले की बुलेट्स आती थी 2018 से पहले की, उसमें पड़ता था मिनरल ऑयल, जिसको डालने के बाद सर्विस इंटरवल होता था 2000 से 3000 के बीच में, यानी कि 2000 से 3000 के बीच में इंजन ऑयल चेंज करना पड़ता था। लेकिन 2018 के बाद जो बुलेट्स आई हैं या और गाड़ियाँ आई हैं, उनमें सेमी सिंथेटिक ऑयल पड़ने लगा है, जिनको डालने के बाद उनका सर्विस इंटरवल हो गया है 4000 to 5000 किलोमीटर्स के बीच में, यानी कि उनको 4000 to 5000 किलोमीटर्स के बीच में चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। सो समझते हैं अब इससे हमें क्या फ़ायदा है। तो इससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो जो सेमी सिंथेटिक ऑयल होता है, मिनरल ऑयल होता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है पैसे का, 100-200 रुपये का फ़र्क होता है, लेकिन जिससे कि आपका सर्विस इंटरवल 1.5 से 2000 तक बढ़ जाता है, मतलब 1.5 से 2000 का फ़र्क आ जाता है, उसके बाद आप सर्विस करा सकते हैं अगर सेमी सिंथेटिक ऑयल डाल दें आप अपनी बाइक में। सो इसको एक ऐसे एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो बाइक्स हैं, एक मिनरल ऑयल डल रही है जिसमें, और एक में सेमी सिंथेटिक ऑयल डल रहा है, और अप्रॉक्स आप एक साल में 10,000 चला लेते हैं, मतलब मैं अपनी बाइक 10,000 चला लेता हूँ एक साल में, तो 10,000 चला लेते हैं। तो आपने साल की शुरुआत में दोनों बाइक्स की आपने सर्विस कराई, मिनरल ऑयल की सर्विस कराई आपने और सेमी सिंथेटिक ऑयल की, और आपने चलाना शुरू किया। एक बाइक आपने चलाई, 3000 किलोमीटर तक चलाई, उसके बाद आपको उसकी सर्विस कराने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उसमें मिनरल ऑयल पड़ रहा है, आपने उसे चलाया, फिर 3000 आपने और सर्विस कराई, 3000 और चलाया, उसके बाद आपने सर्विस कराई, आपने चलाई, फिर 3000 और चलाई, उसके बाद आपने सर्विस कराई। सो आपने करीबन 9000 किलोमीटर चलाई और उस बीच आपने 3 सर्विस कराई। और फिर दूसरी, अगर हम अपनी सेमी सिंथेटिक ऑयल वाली बाइक ले लें, आपने उसको साल की शुरुआत में सर्विस कराया, आपने उसे चलाना शुरू किया, आपने चलाई 5000 किलोमीटर आपकी चल गई, आपने फिर उसकी सर्विस कराई और आपने फिर उसे 5000 किलोमीटर तक चलाया, तो इसमें आपकी सिर्फ एक सर्विस हुई। सो अगर देखें तो जो मिनरल ऑयल वाली गाड़ी थी, इसमें मिनरल ऑयल डल रहा था, उसमें आपने 3 सर्विस कराई थी और इसमें आपको सिर्फ एक सर्विस करानी पड़ी 10,000 किलोमीटर चलाने पर। तो एक सर्विस का कॉस्ट करीबन 2000 के अप्रॉक्स आ जाता है, मतलब वैरी करता है वो, अगर आप कुछ सामान लगवा रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं लगवा रहे हैं, तो उतना कॉस्ट आ जाता है। सो अगर आप देखें तो इसमें आपने एक सर्विस कराई सेमी सिंथेटिक ऑयल वाली में, और अगर 2000 रुपये अप्रॉक्स लग गए, तो उसमें अगर 2000 लगाया जाए तो उसमें 3 सर्विस थी, यानी कि 6000, यानी कि पूरे 4000 का फ़ायदा है। सो इसकी वजह से जो हमारा सर्विस कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, और जो मेंटेनेंस होती है, जो उसका मेंटेनिंग कॉस्ट है, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। सो अब कुछ बातें जिनका आपको ख्याल रखना है जब अपनी गाड़ी रॉयल एनफील्ड में या किसी भी और कंपनी की जिसकी बाइक आप सर्विस के लिए देने जाएंगे। सबसे पहली बात, आप अपना इंजन ऑयल अपने सामने ही चेंज कराइए, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं इंजन ऑयल जब लेने सर्विस डिलीवरी के लिए लेने जाते हैं, कहते हैं इंजन ऑयल नहीं डाला या कम डाला या दूसरा डाल दिया, तो इट्स बेटर कि आप अपने सामने ही चेंज कराएं ताकि आप सेटिस्फाइड रहें। सेकेंड चीज़, जब आप इंजन ऑयल अपनी गाड़ी में डलवाते हैं तो जिस कंपनी की बाइक है, जैसे अगर रॉयल एनफील्ड की बाइक है तो रॉयल एनफील्ड का ही सेमी सिंथेटिक ऑयल डलवाएं, या किसी और कंपनी की बाइक है, बजाज, होंडा, एनी अदर बाइक, तो आप उस कंपनी का इंजन ऑयल डलवाएं जिससे आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिले। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सो यही था आज की वीडियो में, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई कमेंट है तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं नीचे, या आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर चीज़ पर मैं वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ आप बताइए।
और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।